नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। 12 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इन पहलवानों को लगातार अलग अलग खाप पंचायतों का संगठन का समर्थन मिल रहा है। और देर रात जिस तरह से पुलिस ने इन पहलवानों के साथ आपत्तिजनक मारपीट की, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद इन पहलवानों को आपको हम ये बता दें कि आप नेता जो थे सोमनाथ भारती, उन्होंने इन पहलवानों के लिए फोल्डिंग बेड लेकर वो आए थे, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और इस झड़प में बबीता फोगाट के भाई का सिर भी फोड़ दिया गया। और इस वक्त तमाम संगठन इन्हें अपना समर्थन देने आ रही है और इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव मौजूद हैं। क्या कुछ चल रहा है, ये लंबे वक्त से ये प्रदर्शन चल रहा है, जनवरी में ये प्रदर्शन शुरू हुआ था जिसके बाद इन्हें अनुराग ठाकुर की तरफ से आश्वासन दिया गया था ये कमेटी बैठाई जाएगी जिसके बाद सारी चीज़ें, लेकिन अब फिर से पूरे 3-4 महीने बीत गए लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई थी और इसके बाद फिर से पहलवानों को इस प्रदर्शन स्थल पर बैठना पड़ा था और जो देर रात हुआ वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय था। लेकिन जो देर रात हुआ, मध्यरात्रि जो हुआ, वो अपने आप में बहुत क्या कहते हैं घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि पिछले करीब क्या कहते हैं 4-5 महीने पहले भी महिला पहलवानों ने यहाँ पर धरना किया था। वो धरना में उसमें आश्वासन दिया गया केंद्रीय खेल मंत्री की तरफ से, जो आश्वासन दिया गया था उस पर ये लोग क्या कहते हैं संतुष्ट होकर यहाँ से चले गए थे। उसके बाद उन्हें कोई भी क्या कहते हैं ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उनके सम्मान को क्या कहते हैं 4 चांद लगे, सम्मान उन्हें क्या कहते हैं मिले। उनके जो ब्रजभूषण शरण है उसके खिलाफ कोई भी क्या कहते हैं ऐसी कार्रवाई नहीं करी जिससे ये लोगों को लगे कि हाँ तुम्हारे सम्मान की रक्षा यहाँ पर की जा रही है। जब देश के प्रधानमंत्री खुले मन से कहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये मध्यरात्रि जिस तरीके से पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार हुआ है, कहाँ सम्मान रह गया, कहाँ सुरक्षा रह गया, कहाँ वो सुरक्षा रहेगी जो दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई थी कि भाई इनकी सुरक्षा में क्या कहते हैं हम कॉन्स्टेबल लगा रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सारी चीज़ें बिल्कुल झूठ साबित हो गया है। रात में एक चारपाई के लिए इतना हंगामा, मारपिटाई करना, क्योंकि पिछले कई दिन से लगातार बरसात हो रही है, उस बरसात के लिए क्या कहते हैं अगर पहलवान जमीन पे ना सो के चारपाई पे सो जाते हैं तो ऐसी कौन सी बुरी बात उनके साथ होगी है। कम से कम उन्होंने चारपाई तो मांगी, चारपाई किसी ने दे दी तो उसमें क्या बुराई कर रहे हो आप? क्यों क्या कहते हैं क्या कहते हैं पुलिस वाले जो हैं वो शराब पी के कहते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? कम से कम आपको इतना देखना चाहिए कि पूरा देश देख रहा है और वो ये पहलवान वो हैं जो देश के लिए मेडल लेकर आए हैं, जो जिन्होंने देश का जो है गौरव बढ़ाया है, उनके साथ आप शराब पी के आप दुर्व्यवहार करोगे तो ये अपने आप में क्या कहते हैं बहुत कहते हैं निंदनीय है। नरेश फोगाट ने बताया कि बाल खींचा गया। नहीं, बाल भी खींचा गया, उन्होंने बताया मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने बताया कि बाल भी खींचे गए हैं, उनके साथ धक्का मुक्की भी करी है कि इस तरह की घटना क्यों आप कर रहे हो? कम से कम जब आपको इसी तरीके कोई विरोध भी करना है तो महिला पुलिस क्या कहते हैं आप ला सकते थे, महिला पुलिस उस समय यहाँ पर थी नहीं, तो जो क्या कहते हैं जवान थे, जो पुरुष थे, उन्होंने क्या कहते हैं एक पहलवान के साथ क्या कहते हैं महिला पहलवान के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है, क्योंकि हमारा देश जो है उसमें महिलाओं को एक विशेष स्थान दिया गया है, जो उस विशेष स्थान को कहाँ तार तार कर रहे हो आप? ये जंतर मंतर वो जगह है जहाँ पर क्या कहते हैं देश का हर पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या के लिए आता है, अपनी आवाज़ यहाँ से क्या कहते हैं बुलंद करता है, पूरे देश को बताता है कि मैं इतना पीड़ित हूँ, उसके बावजूद यहाँ पर आप महिला पहलवानों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं देश की क्या कहते हैं जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको कहते हैं ठेस पहुंचाता है। पहलवान जो है देश का गौरव है, जब ओलंपिक्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, तो यही पहलवान जब मेडल्स लेकर आते हैं तो सरकार इनको अपने साथ में बैठाकर लंच कराती है और आज यही पहलवान इस वक्त फुटपाथ पर मौजूद हैं और तमाम बातें कही जा रही है। और पहलवानों का ये कहना है, ये वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो बाहुबली जो बृजभूषण शरण सिंह है WFI के अध्यक्ष, उन्हें सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है जिस वजह से उनकी अब तक गिरफ्तारी। देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो इन पहलवानों का क्या कहते हैं इनका हौसला अफजाई करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं शोषण के प्रति क्या कहते हैं कहाँ अपनी आवाज़ उठा पाती हैं, क्योंकि महिलाएं अपने आप को क्या कहते हैं खुद में छलासा महसूस करती हैं, वो अपनी क्या कहते हैं इज्जत बचाने के लिए, वो कहीं उनकी उनकी बदनामी ना हो जाए उस डर की वजह से कहाँ शोषण के खिलाफ आवाज़ उठे। इन लोगों को तो सराहनीय का काम किया है उन्होंने कि आवाज़ उठाई है, और जो ब्रजभूषण सिंह है जिनको संरक्षण प्राप्त है क्या कहते हैं केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का है, तो वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो संरक्षण की वजह से ही तो रात इनके ऊपर क्या कहते हैं दुर्व्यवहार हुआ है, पुलिस द्वारा क्या कहते हैं बर्बरता की गई है इनके साथ, तो वही देखने को आया है कि भाई उनका कितना रौब और रुबाब क्या कहते हैं जिसके तहत क्या कहते हैं उनको संरक्षण मिला हुआ है, तो वो अपने आप में बहुत ही क्या कहते हैं निंदनीय है। ये वो पहलवान है पूरे क्या कहते हैं संसार में आपका नाम क्या कहते हैं रोशन करके आ रहे हैं, आपसे क्या कहते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग भी अपने चाहते हैं कि एक फोटो
उनके साथ खिंचवाएं, जब वो लोग मेडल लेकर आते हैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम लोग फूल मालाएं पहनाते हैं इन लोगों को और बड़ा कहते हैं हर्ष कहते जताते हैं इनके साथ एक फोटो खिंचा के। आज वो पहलवान जो है सड़क पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। पहलवानों के इस पूरे प्रदर्शन को राजनीति का मंच कहा जाने लगा है कि यहाँ पे जो विपक्षी दल के जो नेता हैं और तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम संगठन आ रहे हैं और बृजभूषण जो कि उनका कहना है, बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये पहलवानों का प्रदर्शन नहीं बल्कि ये राजनीति का मंच बन चुका है। देखिए, देश जो है संवेदनाओं का देश है, देश जो हमारा देश चलता है, भारत देश जो चलता है संवेदनाओं पर चलता है। किसी की पीड़ा में कोई अगर हम क्या कहते हैं उसे संवेदनाएं देने आगे तो उसको राजनीति ना दी जाए। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई राजनीति क्या कहते हैं चल रही है, ये तो संवेदनाएं व्यक्त करने लोग आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पर करीब 4-5 रोज़ पहले मैं यहाँ पर आया था, तो कुछ महिला कॉन्स्टेबल कुछ बात कह रही थी, वो मुझे क्या कहते हैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत साहस का काम इन्होंने किया है कि ये आवाज़ उठाई है, लेकिन बहुत सारी क्या कहते हैं महिलाएं तो इसके बारे में सोच भी नहीं पाती आवाज़ उठाने के बारे में। तो ये एक बड़ी चीज़ है, इन लोगों ने क्या कहते हैं इनको, मैं तो कहता हूँ कि सहानुभूति पूरे देश से मिल रही है कि इन्होंने एक ऐसे विषय की आवाज़ उठाई है जिस विषय को कोई भी सोचने को तैयार नहीं है। हम लोग क्या है कि हमारी क्या कहते हैं बदनामी ना हो जाए, समाज क्या कहेगा, इस डर से हम लोग आधे से ज़्यादा लोग तो कह ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ कोई शोषण हुआ है। इन लोगों ने फिर भी इतनी हिम्मत की है, इनको सहानुभूति पूरे देश से मिल रही है, तो इसमें कोई राजनीति का विषय ये नहीं है। ये सिर्फ सहानुभूति देने के लिए लोग बाग आ रहे हैं और संवेदनाएँ व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं कि हम इस दुख में हम लोग आपके साथ हैं, यहाँ पर कोई राजनीति वाली बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे तमाम संगठन मौजूद है, तमाम लोगों का समर्थन लगातार पहलवानों को मिल रहा है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल यहाँ पर आई हुई हैं और उनका भी समर्थन लगातार मिल रहा है पहलवानों को। उन्होंने ये बात भी आपको बता दें कि सुबह सुबह पहलवानों के प्रदर्शन स्थल से करीब 200 मीटर तक की दूरी तक पुलिस के बैरिकेडिंग चारों तरफ की गई थी और इस स्थल के अंदर ना तो मीडिया को प्रवेश करने दिया जा रहा था और न ही जो दिल्ली महिला आयोग की राष्ट्र अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उन्हें भी प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन लगातार कई झड़प के बाद उसके बाद उन्हें प्रवेश करने दिया गया और स्वाति मालीवाल ने यह बड़ा आरोप लगाया है कि उनके साथ उन्हें परेशान किया गया, उन्हें रोका गया, उन्हें जान, लेकिन बहुत ज़्यादा झड़प के बाद तब जाके उन्हें अंदर जाने दिया गया और तब जाकर वो महिलाओं के प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। और इसके साथ साथ विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने ये बात भी कही है कि वो अपना मेडल, जो उन्हें मेडल मिला है, वो अपना मेडल सरकार को दे देंगे। और आपको बता दें कि जिस फोल्डिंग बेड के लिए यहाँ पर रात में झड़प हुई थी, बबिता फोगाट के भाई जिनका सिर फोड़ दिया गया था, झड़प में बबिता फोगाट ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी थी कि उनके भाई का सिर फोड़ दिया गया है पुलिस की तरफ से। और ये बात सामने आई थी कि शराब पीकर नशे में धुत हालत में पुलिस ने महिला जो पहलवान थी उनके साथ छींटाकशी की, उन्हें परेशान किया, उनके साथ मारपीट की, उनका बाल खींचा गया। और तमाम जानकारी यहां से हम आप सभी तक सीधे इंडिया न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे।